नमस्कार, मैं प्रज्ञा धरद 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड यूनिट में तैनात भारतीय सेना के एक मेजर की सेवाएं समाप्त कर दी है। सेना की जांच में पहले पाया गया था कि मेजर ने कई गलतियां की थी, जिसकी वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी खतरा पैदा हो गया था। राष्ट्रपति ने सेना अधिनियम 1950 की धारा 18 संविधान के अनुच्छेद 310 के तहत और इस संबंध में उन्हें प्रदत्त अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया कि मेजर की सेवाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाए। यह आदेश 15 सितंबर को जारी किए गए थे। करवा चौथ के दिन ही एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं को महंगाई का करंट लगा है। एलपीजी सिलेंडर 100 रुपए से अधिक महंगा हो गया है। यह बढ़ोतरी 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर में हुई है, यानी इसका इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को झटका लगा है, जबकि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत मिली है। आज 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के रेट में 100 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में आज से 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर 1833 रुपए में मिलेगा। कोलकाता में यह 1943 रुपए का हो गया है, जबकि मुंबई में 1785.50 रुपए और चेन्नई में 1999.50 रुपए हो गया है। एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान मंगलवार को कई विपक्षी नेताओं और पत्रकारों ने खुलासा किया कि उन्हें एप्पल से एक अलर्ट मैसेज मिला है, जिसमें कहा गया है कि उनके आईफोन को सरकार प्रायोजित हमलावरों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। एप्पल की ओर विपक्ष के जिन नेताओं को चेतावनी संदेश भेजे गए हैं, उनमें से अधिकांश इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। इन नेताओं में मुख्य रूप से महुआ मोइत्रा, प्रियंका चतुर्वेदी, राघव चड्ढा, शशि थरूर, असुद्दीन ओवैसी, सीताराम येचुरी, पवन खेरा, अखिलेश यादव, केसी वेणुगोपाल, सुप्रिया सुले, रेवंत रेड्डी, टीएस सिंहदेव, केटी रामा राव जैसे नेता शामिल हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन द्वारा संकलित आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि पिछले अक्टूबर से सितंबर तक शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान भारत से लगभग 42,000 प्रवासियों ने अवैध रूप से दक्षिणी सीमा पार की है। रिपोर्ट के अनुसार यह संख्या पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में दोगुनी से भी अधिक है, जब अवैध रूप से अमेरिकी सीमा पार करने वाले भारतीयों की संख्या ऐतिहासिक आंकड़े को छू रहा है। आतंकवादी गुरु पतवंत सिंह पन्नू अब खालिस्तान के मुद्दे पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। खबर है कि उसने रविवार को एक बयान जारी किया, जिसमें वह कह रहे हैं कि ट्रूडो के चलते खालिस्तानी और मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं। हालांकि इसे लेकर भारत या कनाडा सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। पाकिस्तान के जाने माने मानवाधिकार संगठनों ने बिना दस्तावेजों और वाले विदेशियों को निष्कासित करने के सरकार के फैसले पर चिंता प्रकट करते हुए मंगलवार को चेतावनी दी कि इससे मानवीय संकट पैदा हो जाएगा। ऐसे लोगों में ज्यादातर अफगान नागरिक हैं। इस माह के आरंभ में अंतरिम सरकार ने बिना दस्तावेज वाले सभी प्रवासियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ देने, अन्यथा जेल में डाल दिए जाने या देश से निकाल दिए जाने का जोखिम उठाने के लिए तैयार रहने का अल्टीमेटम दिया था। दिल्ली में इस साल 2020 के बाद से अक्टूबर के महीने में सबसे खराब वायु गुणवत्ता का अनुभव किया गया। मौसम वैज्ञानिकों ने प्रदूषण के खतरनाक स्तर के लिए महीने के दौरान कम बारिश को जिम्मेदार ठहराया। बुधवार सुबह समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक 336 तक पहुंच गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2023 में दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 210 दर्ज किया गया। यह अक्टूबर 2022 में दर्ज AQI के अनुरूप था। असामाजिक तत्वों द्वारा हानिकारक संदेशों, फोटो और वीडियो के प्रसार को रोकने के लिए मणिपुर सरकार ने मंगलवार को मोबाइल इंटरनेट प्रतिबंध को 5 नवंबर तक और 5 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने हाल ही में संकेत दिया था कि सरकार अगले कुछ दिनों के भीतर प्रतिबंध वापस लेने पर विचार करेगी, जिसके बाद गृह विभाग ने एक सप्ताह में भी कम समय में मोबाइल इंटरनेट प्रतिबंध को 2 बार बढ़ा दिया। सिंह ने पिछले सप्ताह एक सरकारी समारोह को संबोधित करते हुए इस मुद्दे पर नागरिकों, विशेषकर छात्रों और युवाओं से धैर्य रखने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद द्वारा करे गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने खालिद द्वारा दायर याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा, जो दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में आतंकवाद विरोधी कानून के तहत सलाखों के पीछे है। पीठ ने कहा कि वह 22 नवंबर को खालिद द्वारा दायर जमानत याचिका के साथ UAPA की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे। वर्ल्ड कप 2023 में गुरुवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत की टक्कर श्रीलंका से होनी है, लेकिन इस मैच के दौरान और बाद में स्टेडियम में मौजूद दर्शक आतिशबाजी का मजा नहीं ले सकेंगे। सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि दिल्ली में होने वाले मुकाबले में भी ऐसा ही होगा। दोनों शहरों के खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स के कारण भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने यह फैसला लिया है। दिल्ली में वर्ल्ड कप का अगला मुकाबला 6 नवंबर को बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच है। इस मुकाबले में भी आतिशबाजी नहीं होगी। दिल्ली में मांस बेचने और उसकी दुकानों के लिए लाइसेंस को लेकर नगर निगम में नया प्रस्ताव रखा गया था। प्रस्ताव के तहत दिल्ली में मांस की दुकान और धार्मिक स्थल के बीच न्यूनतम 150 मीटर की दूरी की शर्त थी। इस प्रस्ताव को अब नगर निगम की ओर से मंजूरी मिल गई है। यह उन कई प्रस्तावों में से एक था जिन्हें MCD सदन ने संक्षिप्त कार्यवाही के दौरान हंगामे के बीच पारित कर दिया।
कतर में पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसने भारत सरकार के सामने नई चुनौती पैदा कर दी है। 8 पूर्व नौसैनिक को कतर की एक कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है। अब इन नौसैनिकों की सुरक्षित रिहाई कैसे होगी, इसके विकल्पों पर माथापच्ची जारी है। कई अलग अलग विकल्पों के बीच ही एक विकल्प तुर्की का भी नजर आ रहा है, लेकिन तुर्की भारत की मदद करेगा या नहीं इस पर सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। तुर्की जो पाकिस्तान का बेहद करीबी है, कतर के साथ अच्छे रिश्ते साझा करता है, ऐसे में वह भारत के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। ICMR के शोध में यह भी कहा गया है कि जिन लोगों को संक्रमण का गंभीर सामना करना पड़ा है उन्हें कम से कम 1 या 2 साल तक अत्यधिक परिश्रम नहीं करना चाहिए। हालांकि यह शोध अभी तक कहीं प्रकाशित नहीं हुआ है। ICMR की रिपोर्ट की माने तो COVID-19 के बाद दिल के मरीजों में 14% तक की बढ़ोतरी हुई है। ICMR ने अपने शोध के लिए भारत में 18 से 45 आयु वर्ग के स्वस्थ वयस्कों के बीच अचानक मौत की जाँच की। इस शोध से यह भी पता चला कि COVID-19 वैक्सीन से अचानक मौत का खतरा नहीं बढ़ा है। US ने एक ऐसा फैसला किया है जिसकी वजह से रूस को बड़ा झटका लग सकता है। जी हां, भारत अब रूस से सप्लाई कम कर वेनेजुएला से सस्ता सेल इंपोर्ट कर सकता है। वास्तव में US ने वेनेजुएला से प्रतिबंधों को हटा दिया है, जिसकी वजह से वेनेजुएला को अब क्रूड एक्सपोर्ट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए तेल भी डिस्काउंट में देगा, जिसका फायदा भारत को होगा। वैसे रूसी तेल भी भारत को अब $80 के करीब पड़ रहा है। वहीं दोनों देशों के बीच पेमेंट के तरीके को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। चंद्रयान 3 की सफलता से भारत की दुनिया में खूब वाहवाही हुई। भारत चांद की सतह पर सुरक्षित लैंड करने वाला अमेरिका, रूस और चीन के बाद 4था देश बना है। मिशन की सफलता के बाद अब इसे लेकर एक अहम जानकारी सामने आ रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक चंद्रयान 3 के प्रॉब्लम मॉड्यूल में न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी मदद से वे अभी भी चंद्रमा के चक्कर काट रहे हैं। देश में सड़क हादसों की वजह से लाखों लोगों की मौत होती है। इनमें ज्यादातर मौतों की वजह ओवर स्पीड ड्राइविंग है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को आंकड़े जारी कर बताया कि देश में 75% हादसे स्पीड लिमिट क्रॉस करने से होते हैं। MORTH के मुताबिक साल 2022 में 72.4% सड़क हादसों की वजह ओवर स्पीडिंग है, जबकि 75% से ज्यादा मौतें स्पीड लिमिट क्रॉस करने से होती है। रिपोर्ट के मुताबिक बाइक से होने वाले हादसों में 50,000 से अधिक लोग मारे गए क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। इसमें बताया गया है कि 35,692 लोग बाइक चलाते समय मारे गए, जबकि 14,337 लोगों की जान बाइक पर पीछे बैठने पर हुई। केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत 2030 तक दुनिया की कुल बिजली मांग में 65% और 2050 तक 90% तक योगदान दे सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 6ठी सभा के उद्घाटन के मौके पर RK सिंह ने कहा, अक्षय ऊर्जा क्षेत्रों स्रोतों में 2030 तक दुनिया की कुल बिजली मांग की 65% आपूर्ति करने और 2050 तक 90% बिजली क्षेत्र को डिकार्बोनाइज करने की क्षमता है। उन्होंने बताया कि वैश्विक आबादी का करीब 80% उन देशों में रहता है जो जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भर है। इनकी कुल संख्या 6 अरब है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष एशिया प्रशांत क्षेत्र के निदेशक पी स्मिथ ने मंगलवार को कहा कि 2050 तक एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में हर 4 में से एक व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक होगी और उनमें से आधी से अधिक संख्या महिलाओं की होगी। स्मिथ ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों की आयु बढ़ने के साथ ही इन देशों में प्रजनन दर में भी कमी देखी जा रही है और कम बच्चे पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका अर्थ यह है कि एक ओर लोगों की आयु बढ़ रही है, वहीं कामकाजी आबादी भी घट रही है। देश भर में बीते दिन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जो अपने आप में हैरान करने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद लोग सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। दरअसल एक वीडियो सामने आया है जिसमें कनाडाई पंजाबी गायक सुभनीत सिंह इंदिरा गांधी की हत्या का मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं। सुभनीत की इस हरकत पर सोशल मीडिया पर लोगों ने सुभनीत पर निशाना साधा है और लोगों को उसके गाने न सुनने की सलाह दी है। हालांकि इस वीडियो के संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है, इसलिए बिहारी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 1 नवंबर यानी आज जियो वर्ल्ड प्लाजा ओपन होने जा रहा है। इस मौके पर अंबानी परिवार समेत बॉलीवुड की कई हस्तियां भी शिरकत करेंगी। इस मॉल में दुनिया के नामचीन ब्रांड के स्टोर होंगे, जिसकी वजह से इस मॉल को भारत का सबसे लग्जरी मॉल भी कहा जा रहा है। मुंबई के मध्य में BKC में स्थापित जियो वर्ल्ड प्लाजा 7.50 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है, जिसे आज यानी 1 नवंबर से आम जनता के लिए ओपन कर दिया गया है। द लैसेंट जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में पाया गया है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बढ़ती समस्या के कारण बच्चों शिशुओं में आम संक्रमण के इलाज के लिए दी जाने वाली कई दवाएं अब भारत सहित दुनिया के बड़े हिस्सों में प्रभावी नहीं है। ऐसी स्थिति में हल्के संक्रमण से भी गंभीर रोग का जोखिम हो सकता है। एंटीबायोटिक दवाओं के काम न करने से संक्रमण के शरीर में बढ़ने और ऑर्गन फेलियर तक का खतरा है। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई व दर्जनों घायल हो गए थे। 3 दिनों तक ट्रांसपोर्ट रोकने की घोषणा के पहले ही दिन देश में हसीना के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। इस बीच सरकार ने देश भर में अर्धसैनिक बलों को तैनात कर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने रविवार को पार्टी समर्थकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों के जवाब में 3 दिनी सड़क नाकेबंदी का आह्वान किया था।
निजी बैंकों में नौकरी छोड़ने वालों की तादाद में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिस पर बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की प्रतिक्रिया आई है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि आरबीआई की बैंकों में नौकरी छोड़ने की दर पर करीबी नजर बनाए हुए उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के कुछ बैंकों में नौकरी छोड़ने वालों की संख्या में ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन तीनों वकीलों की कड़ी फटकार लगाई जिन्होंने संविधान के भाग 3 के तहत आर्टिकल 20 और 22 का संविधान का उल्लंघन या अधिकार के बाहर घोषित करने के लिए एक दायर याचिका की गई थी। संविधान का आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दो सिद्धि सुरक्षा से संबंधित है, जबकि आर्टिकल 22 खास मामलों में गिरफ्तारी एवं हिरासत से सुरक्षा से संबंधित है। दोनों अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। याचिका तमिलनाडु के एक शख्स ने दायर की थी। अख्तर ने अपने YouTube चैनल पर बोलते हुए बताया कि हार्दिक पांड्या का आधा फिट होना भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वे हार्दिक के टीम में वापस आने पर एक गेंदबाज को बाहर कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से हार्दिक के आने पर आप श्रेयस अय्यर को बाहर कर सकते हैं और गेंदबाजों में से किसी को भी बाहर न करें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदान बढ़ाने को निर्वाचन आयोग ने चुनौती की तरह लिया है। इसके लिए विशेष श्रेणी के मतदाताओं के लिए अलग से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फॉर्म 12D में सहमति देने वाले दिव्यांग मतदाता घर से डाक मत पत्र से मतदान कर सकेंगे। इसी तरह बुजुर्ग और गर्भवती महिला मतदाताओं के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। ऐसे मतदाता बिना लाइन में लगे सीधे मतदान कर सकेंगे। दिव्यांग मतदाताओं के लिए अधिक से अधिक मताधिकार का उपयोग करने के हिसाब से जबलपुर जिले में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र में जहां रैंप बनाए गए हैं, वहीं चिन्हित मतदान केंद्रों पर व्हीलचेयर या ट्राईसाइकिल की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में देश में कुल 4.61 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 1.68 लाख लोगों की जान गई, जबकि 4.43 लाख लोग घायल हो गए। औसतन भारत में प्रतिदिन 462 मौतें हुई या हर दिन 3 मिनट में एक शख्स की जान गई। भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 शीर्षक वाले इस रिपोर्ट से कहा गया है कि देश में सालाना आधार पर सड़क हादसे की संख्या में 11.9% की वृद्धि हुई है और उनसे होने वाली मृत्यु की दर 9.4% बढ़ी। थाईलैंड के एक सरकारी प्रवक्ता ने मंगलवार बताया है कि थाईलैंड अगले महीने से मई 2024 तक भारत और ताइवान से आने वाले लोगों के लिए वीजा आवश्यकताओं में छूट देगा, ताकि सीजन में अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। गौरतलब है कि इससे पहले थाईलैंड ने सितंबर में चीनी टूरिस्ट के लिए भी वीजा की जरूरतों को खत्म कर दिया था, जिस वजह से जनवरी से 29 अक्टूबर तक थाईलैंड में 22 मिलियन टूरिस्ट आए, जिससे $25.67 अरब की इनकम हुई। हवा में मौजूद प्रदूषण के छोटे कणों की वजह से इंसानों में पार्किंसंस बीमारी हो सकती है। इंसानों में इसका 56% तक जोखिम देखने को मिला है। अध्ययन में पता चला है कि पीएम 2.5 या फिर उससे कम आकार वाले प्रदूषित कण सांस के जरिए मस्तिष्क तक जा पहुंचते हैं और फिर मस्तिष्क में सूजन का कारण बन सकते हैं। इसी के चलते संबंधित व्यक्ति में पार्किंसंस रोग विकसित हो सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मंगलवार को कंगना रनौत अभिनीत फिल्म तेजस देखी। इस दौरान कंगना भी उपस्थित रही। मंगलवार को यहां लोक भवन में तेजस फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग की गई थी। एक अन्य पोस्ट में रनौत ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लखनऊ में फिल्म के शो में शामिल हुए। फिल्म की स्क्रीनिंग से पहले रनौत ने कहा कि तेजस नागरिकों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करता है। मंगलवार को लोक भवन में फिल्म देखने के बाद बाहर निकली कंगना रनौत ने कहा, महाराज जी ने फिल्म देखी और फिल्म देखकर वह भावुक हो गए और कहा कि यह सबको देखनी चाहिए। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है रनुगोलो कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, सिद्धार्थ कुमार, नौशद अंसारी, श्याम नारायण सिंह, नाजनी खातून, शिव नारायण सदा, बाबूलाल मरांडी, अर्षित, रमन कुमार, मोहम्मद फहीम, दीपक कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बॉलीवुड में आपके पसंदीदा कलाकार कौन है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।